मध्य निषेध सिपाही पद का है, जो कि आपको विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं मध्य निषेध सिपाही का 76 पदों का विज्ञापन है जो कि जारी किया, लेवल 3 की ये पद है और 21,700 बेसिक है इसकी, और ये 1/22 के यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन 13/8/2022 से प्रारंभ, मतलब परसों से जो कि ऑनलाइन आवेदन है जो कि प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या है, पात्रता क्या होगी, योग्यता क्या होगी, भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला हो या थर्ड जेंडर, 1/1/2022 तक है जो कि इंटरमीडिएट अगर पास है मान्यता प्राप्त संस्थानों से तो आप है जो कि फॉर्म है जो कि भर सकते, इंटर पास होना जरूरी 1/1/2022 तक। अभ्यर्थियों का उम्र सीमा भी जो है वो कब से लागू होगी, तो वो भी जो है आपको 1/1/2022 से जो कि लागू होगी, और 18 से 25 वर्ष जनरल की, EWS की है जो कि आपको, BC की है जो कि, और EBC की 18 से 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो कि 18 से 28 वर्ष, SC पुरुषों एवं महिलाओं थर्ड 18 से 30 वर्ष, और सरकारी सेवक हैं तो 5 साल की जो कि छूट मिल सकती है अधिकतम आयु सीमा में, तो ये आप देख सकते हैं। ऊंचाई क्या है, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग महिलाओं के लिए 155, इतना है जो कि क्राइटेरिया, और सीना तो आप खुला सकते हैं 81-86 है पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 81-86 है, बिना फुला है जो कि ये सब दिया हुआ है, वजन है जो कि कम से कम 48 किलो होना चाहिए, और नियुक्ति में क्या होगी, यही लिखित परीक्षा होगी आपकी, 100 अंकों की परीक्षा होगी, 10वीं के स्तर की रहेगी, उसमें परस्पर 2 घंटे के रहेंगे, और ये जो है आपको उसमें 10वीं कक्षा के स्तर का होगा, हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले संबंधित वस्तुनिष्ठ पर कम से कम 30% अंक लाना, नहीं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची आधार नहीं होगी, लिखित केवल है जो कि शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हत क्वालिफाइंग होगी, और ये द्वितीय चरण क्या होगा, शारीरिक योग्यता, और ये 100 अंकों की दौड़ है जो कि 50 अंक का होगा, सभी कोटि के मेले 5 मिनट से अगर कम करते हैं तो 50 अंक मिले, 5 मिनट से 40 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 20 सेकंड से तो 30 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तो 20 अंक, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित, उसी तरह महिलाओं का भी 4 मिनट से कम, तो ये क्राइटेरिया, गोला फेंके जो कि 25 अंक लिया जाएगा, 16 फीट से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक, 17 फीट एवं 18 फीट 13 अंक, तो ये जितना आप फेंकेंगे उतना जो कि आपकी महिलाओं के लिए भी उसी तरह है, 12 से 13 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक है, ऊंची कूद है जो कि 4 फुट पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 3 फीट है, और ये है जो कि आप देख सकते हैं मेधा सूची जो है आपको दौड़ ऊंची कूद गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर है जो कि होगा, कौन कौन है, दौड़ ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर है जो कि ये तैयार किया जाएगा, और रिक्ति है जो कि ये आप देख सकते हैं रिक्तियां कितनी हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, अनारक्षित का है जो कि आपको बैकलॉग सहित है 40, जनरल की है, EWS की 7, SC की 5, ST की 3, EBC की 7, पिछड़ा वर्ग के 13, पिछड़ा वर्ग की महिला के 176 पद है जो कि है, उसमें महिलाओं के लिए 20 है, बैकलॉग के लिए सिर्फ 5 है, तो 76 पद जो है आपको ये वैकेंसी, हाँ आप कह सकते हैं बहुत कम वैकेंसी निकली है, तो आगे आने वाली फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड की है, दोनों मिलाकर 1500 के आसपास चर्चाएं हैं, हो सकता है कि इस माह तक जो कि निकल सकती है, तो ये है जो कि आपको पूरा क्राइटेरिया था, और ये आपको 13/8 से जो कि भराएगा, और 1 जनवरी 2022 से जो कि जो भी आयु सीमा है वो नियुक्ति प्राधिकार कौन होंगे, वही आयुक्त उत्पाद होंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया जो कि 13/8/2022 से जो कि शुरू होगा, ₹675 जो कि फीस लगेगा जनरल का, और SC ST थर्ड जेंडर के लिए जो कि महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कि बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं के लिए जो कि ₹180 है जो कि, यही आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और ये जो है आप देख सकते हैं, तो ये 13/8 से एक से अधिक अभ्यर्थी अगर ऑनलाइन ज़्यादा है जो कि फॉर्म भरते हैं तो आपको जो कि अस्वीकृत कर दिया जाएगा,
ऑनलाइन आवेदन पत्र पहले करना है, तो CSBC के अगर वेबसाइट पर चलते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा। सो CSBC अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे तो हो सकता नज़र ना आए, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये खुल नहीं रहा है, तो इसलिए ये है जो कि आपको एक साइज वाले में जाना पड़ेगा। उम्मीदवारी है जो कि ये 13-9 तक है जो कि ये फॉर्म है जो कि भरा सकता है। ये जो है नोटिस है जो कि थोड़ी देर पहले ही जो कि निकला है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटों की संख्या पर ना जाए कि कम है, जिनको मौका है, मद निषेध सिपाही का ये अच्छी पोस्ट होती है और लेवल 3 की ये पोस्ट है, तो इसको आप भर सकते हैं और इसका जो कि फ़ायदा उठा सकते हैं। अब फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड की है और भी वैकेंसियाँ जो है आपको अब आनी शुरू हो गई है, तो इसके साथ